तो हे गाइस, दिस इज़ साजिद और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल साजिद गांव का ऑफिशियल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज हम बात करेंगे कि गोवन नाइट लाइफ इज सेफ है कि कौन कौन सी परेशानी है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आज का हमारा ये वीडियो शुरू। तो आज हम बात करेंगे कि गोवन नाइट लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट के मैं पहले बात करता हूँ। इंडियन टूरिस्ट जैसे गोवा आते हैं वो पागल बन जाते हैं और पहले वो सोचते हैं कि गोवा में नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, मतलब रातों में एंजॉय करेंगे गोवा। तो क्या होता है कि गोवा में जैसे ही आप लोग गोवा में आते हो तो पहले आप लोग सोचते हो कि रातों में क्या करेंगे, कौन से नाइट क्लब्स में जाए, कौन से पार्टीज़ में जाए, और कभी कभी न्यू के टाइम में भी बहुत होता है। तो मैं पहली बात करूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि गोवा सेफ़ है कि नहीं है। क्योंकि पहली बात तो अगर आप सिंगल हो या फिर अपने फैमिली के साथ आए हो, फिर भी आप रात को अवॉइड कीजिए जाना, क्योंकि रातों में कहाँ पे भी, अगर गोवा में ही नहीं सभी जगहों में रातों में बहुत ही डेंजर होता है कहाँ पे भी जाना। लेकिन उस मामले में गोवा सेफ है, लेकिन कुछ बता नहीं सकते, कभी भी टाइम आ सकता है, कौन सा भी टाइम आपसे बुरा वक्त आ सकता है। तो मैं बता दूं, जितने में मैं बता रहा हूं कि आपको गोवा ट्रैवल करना चाहिए, गोवा रातों में रहना चाहिए कि नहीं, तो गोवा में आप ट्राई कीजिए कि गोवा में आप का आ रहे हो तो रातों में अवॉइड कीजिए, नाइट में अवॉइड कीजिए बाहर जाना। और अगर आपको लगता है कि नाइट पार्टी से एंजॉय करना चाहते हो तो जाना बाहर, और बाद में वैसे कोई नहीं है, डिपेंड है जो सेफ है कि नहीं अनसेफ है वो एरिया के ऊपर डिपेंड है, जो भी जिस एरिया में आप लोग स्टे कर रहे हो, जिस एरिया में आप लोग रह रहे हो और जिस लोकेलिटी में आप लोग रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप समझ लो कि आपका जो लोकेलिटी आपका एरिया सेफ है आपको लगता है तो आप वहाँ पे नाइट में शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में जा रहे हो तो कोई कोई बीच होते हैं जिसमें नाइट्स में अलाउड नहीं होता कहाँ पे भी जाना। और अगर आप जाओगे, अगर आपको पुलिस वगैरह मिलेगी तो आपको आपकी पूछताछ होगी, क्योंकि आप रातों में कहाँ घूम रहे हो, यहाँ घूम रहे हो चोरी, क्योंकि चोरी वगैरह केसेस में देखने के लिए घूमते हैं पुलिस, और कुछ कुछ लफड़े वगैरह होते। जैसे कि मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, लोकेलिटी में रह रहे हैं, गोवा नाइट में अनसेफ है कि सेफ है आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 60% 70% सेफ है। और अगर आप जिसके भी हायर करते हो व्हीकल्स, भाड़े पर लेते हो गाड़ी वगैरह, टू व्हीलर मोटरसाइकिल लेते हो और रातों में आप रैश ड्राइविंग करते हो तो आपका पता नहीं कि सेफ है कि अनसेफ है, क्योंकि अगर आप किसी को ठोक दोगे या फिर ओवरटेक वगैरह कर दोगे तो रातों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं बता दूँ, जितना भी गोवा घूमना चाहते हो, गोवा आना चाहते हो, रहो यहाँ में, गोवा में रहो कि आराम से एंजॉय करना, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन रातों में कहीं नहीं जाना। डिनर वगैरह वो तो ठीक है अगर कहाँ पे खाने वगैरह जाना तो, लेकिन ऐसे बाकी पार्टीज़ वगैरह अगर आपको एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टीज़ के लिए आते हैं तो उस पार्टी में जाने से पहले उस एरिया लोकेलिटी देख लेना। अगर आप सिंगल हो तो आप कहाँ पे भी जा सकते हो, फैमिली के साथ हो तो पहले डिपेंड ऑन एरिया देख लेना कि एरिया कौन सी है, कैसी है, और पूरी लोकेलिटी देख लेना। लेकिन मेरी मानिए तो गोवा सेफ है। रातों में मैंने पहले बताया कि आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लगता है कि सेफ है तो आप जाना, लेकिन मेरी बात कीजिए तो मेरी सजेशन है कि आप रातों में बाहर ना जाए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सुबह में या दोपहर में कहाँ पे, शाम को कहाँ पे भी घूम ले। तो हमारी वीडियो इतनी तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। लेकिन पहले मैं बता दूँ, गोवा आइए और एंजॉय कीजिए गोवा। और एक बात ध्यान में रखना कि रातों में आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने बताया कि सेफ तो है लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए आप सुबह और शाम को कहाँ पे भी घूम लेना, रातों में आप डिनर वगैरह के लिए, खाना वगैरह के लिए आसपास जा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।